आराध्य जिन्ना और हमारे आराध्य भगवान श्री राम। अब यू जिन्ना तो भाषा 22 चुनाव का फुटबॉल बन चुका है कांपता है। जब तक यू फुटबॉल भाषा फूल कर फूट नहीं जाएगा, जब तक भाषा लात पढ़ते पढ़ते फट नहीं जाएगा, तब तक भाषा की जिन्ना का फुटबॉल घूमता रहेगा, पूरे 22 चुनाव भाषा दौड़ता रहेगा। वैसे आप लोग हैरान मत होंगे, उत्तर प्रदेश के भाषा बिजनौर से राम बाबू द्विवेदी जी खड़े मंच पर ऐलान कर रहे थे। ये तो सुकर मना भाषा वो वीडियो छूट गई, वरना भाषा पूरा सुनाते। वैसे आपको बता दें कि बिजनौर भाषा करीबन 2200 ट्रैक्टर रैली को भाषा रवाना कर रहे थे और विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। चारों तरफ भाषा देख लो जनसैलाब दिख रहा था। राम बाबू द्विवेदी जी भाषा बाराबंकी जनपद के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और भाषा देख लो इन्होंने जाकर के बिजनौर में खूंटी काट दी और बकायदा झंडा लगा दिया बीजेपी का और बकायदा जय श्री राम के नारे भी लगे और साफ तौर से बोल रहे थे कि अगर बकायदा सपा के आराध्य जिन्ना है तो हमारे आराध्य जय श्री राम, बकायदा भगवान श्री राम है। खुदा सुन लीजिए, आराध्य सपा पर उनके आराध्य जिन्ना और हमारे आराध्य भगवान श्री राम बोलो जय जय श्री राम। का सब राम बाबू द्विवेदी जी हम तो छाते ठोक कर बोलेंगे जय श्री राम, लेकिन कहा बताए कहीं बकायदा सपा के नेताओं ने देख लिया तो बहुत बुरा मान जाएंगे कि राम बाबू द्विवेदी जी ने तो हमारी फजीहत कर डाली, कहीं का नहीं छोड़ा। वैसे बस अब कहा बताए इनकी बातें सुन बस अब जिन्ना वापस मर जाता, बस अब एक बार जीता फिर मर जाता कि देखो भाई देखो राम बाबू द्विवेदी जी ने सपा के नेताओं को छोड़ो हमको कहीं का नहीं छोड़ा। पर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना कदम मत भूलेगा, इस तरह की दमदार खबरें मिलती रहेंगी आपको। वैसे बाराबंकी जनपद के सपूत ने बस अब कहा बताया देखो देखो बिजनौर में झंडा गाड़ दिया और बस अब जलवा बिखेर दिया, बिल्कुल जलजला दिखा था राम बाबू द्विवेदी का। वैसे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलना भैया, तुरंत वीडियो को आग की तरफ फैला दो, इस तरह की दमदार खबरें ठोकम ठोक खबरें मिलती रहेगी।